नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में। शिबा इनू जो कॉइन है दोस्तों, अपने तकरीबन एक से डेढ़ साल पुराना जो उसका लो था उसके आसपास चल रहा है। एक बहुत अच्छा एक डिसेंट बाय बनता है दोस्तों। यहाँ आप एक चीज समझ लीजिए कि कुछ भी जब आप बाय करते हैं तो लो प्राइसेज पे बाय करते हैं और जब आप सेल करते हैं तो हाई प्राइसेज पे करते हैं। तो तकरीबन डेढ़ साल पुराने प्राइस पे ये अपना ये शिबा इनू चल रहा है। तो अभी ओवर द पीरियड इन्होंने कुछ ना कुछ यूजेस भी इसके डेवलप किए हैं। ऑल्दो स्टार्टिंग में ये एज ए मीम कॉइन आया था जैसे कि आप जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसका यूजेस बनाया गया जो कि इस कॉइन को ग्रो करने में उसकी हेल्प कर रहा है, उसकी बहुत ही सहायता कर रहा है। और इसका कम्युनिटी इतना बड़ा हो गया है, टू बिग टू फेल हो गया है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा दमखम देख पा रहा हूं, लेकिन बाय करते टाइम आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप जितना भी बाय करेंगे, जो भी बाय करेंगे, आपके पोर्टफोलियो का 5-7% से ज्यादा शिबा इनू जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑल एंड ऑल अभी भी इसका कोई सॉलिड यूजेज नहीं है। बड़ा कम्युनिटी जरूर इसका है, बड़ा यूजेज अभी इसका बन नहीं पाया है। और एक दो बार का मैं इसमें अभी दम देख पा रहा हूं कि अभी एक दो बुल रन ये और चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे क्रिप्टो में चेंजेस आते जाएंगे, क्योंकि ये ओवरऑल जो है एक डेवलपिंग फील्ड है, क्रिप्टो जो है वो एक डेवलपिंग फील्ड है। तो जैसे जैसे क्रिप्टो डेवलप होगी, बहुत सारे कॉइन ऐसे हैं जिनका कोई यूजेज नहीं है या जिनका कोई सिर पैर नहीं है, वो एंड में वो खत्म हो जाएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो अभी तक शिबा इनू जो है उन्हीं में से ही एक कॉइन है जो कि खत्म होने के चांसेस में ज्यादा आता है, क्योंकि ओवरऑल इसका कोई यूजेज नहीं है। और अल्टीमेटली जिस चीज का यूजेज नहीं होता है उसको हम डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा पार्ट आप शिबा इनू में जरूर डाल दें। ग्रो करेगा, अच्छा ग्रो करेगा। इससे पहले मैंने आपको एक लूना कॉइन पे भी एक वीडियो बना के दिया था, उसमें भी मैंने यही कहा था, उसमें तो आप थ्रो अवे मनी डालिए, इस शिबा इनू में आप थोड़ा ज्यादा डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, एज कम्पेयर टू टेरा लूना क्लासिक। लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो है एक सर्टेन परसेंटेज ही आप शिबा इनू में इसमें रखेंगे, ताकि अगर इन केस कभी कोई दिक्कत भी आता है तो आपका पैसा सेफ रहे। तो दोस्तों जुड़े रहो क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।